अरे इतनी गर्मी क्यों है? अरे नहीं, ये क्या हो गया सर? तेरे के ये तो टूट गया, मैं क्या करूंगा? समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हालात में मैं काम कैसे करूंगा? हमेशा ऐसा ही होता मेरे साथ, जब मेरे लिए कुछ अच्छा होना होता है। हाय मेरी बोटी किस्मत, मेरे साथ कभी कुछ सही नहीं होता। लखा बोल रहा हूँ। लखा, मुझे अब तक कोई लकड़ी नहीं मिली, समझ गया? तो आप मजाक कर रहे हैं क्या? यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे तो लू भी लग सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ क्या कहते हैं मेरे पैसे बढ़ा दें तो मैं कुछ कर क्या देता हूँ। तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों दूं जबकि तुम काम ही नहीं कर रहे हो? बाहर सच में बहुत गर्मी है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा तेज चलने वाला पंखा भेज दूंगा ठंडा होने के लिए। खुश, अब थोड़ा बाहर जाओ और पेड़ काटो, जाओ। एक फैन, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अपनी गर्मी में काम नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो तुम? वापस आ जाओ यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे मेरी टोपी वापस करो। तुम ठीक तो हो? यहाँ तो कितनी ठंड है, और इन पेड़ों को तो देखो। ठीक है फिर, मैंने अपने नाम घोषित करता हूँ। क्या तुमने वो सुना? मछलियाँ, मैं आ गया। एक तालाब। ठीक है, क्या सब लोग दुखों के बच्चे? तुम तो समझ गए होगे, ये जगह अब मेरी है और मुझे चक्कर आ रहा है। टकले लखे, दूर हटाओ, दूर हटाओ। शांत हो जाओ, तुम्हें लू लग गई है। टकले लगता, सुनो लो जरा, हम तुम्हें एक ही शर्त पे यहाँ पे रोकने जा सकते हैं कि तुम पेड़ नहीं काटोगे। काटो क्या वादा कर सकते हो? हाँ ठीक है, कर लिया वादा। बबलू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सुझाव सही नहीं है? अरे बचाओ मुझे, मैं तैर नहीं सकता, बचाओ। अब तुम ही देख लो, मुझे तो ये हानिकारक लग रहा है, क्या बोलते हो तुम? टकला लगता, आओ खेलो हमारा साथ। जिस भी टीम में होता हूँ वो तो आसानी से जीत जाती है। ऐसा घमंड राजा को शोभा देता है क्या? हवा आने दे, यहाँ का सिकंदर मैं हूँ, समझा क्या? वॉलीबॉल खेल सकते हो। अब ये क्या है? क्या कितना मजा आ रहा है। अरे यार, अरे अब ये कौन हो सकता है? कौन बोल रहा है? लखा। अरे आप हैं सर? पेड़ काटना कैसा चल रहा है? मुझे कल के कल दो ट्रक लकड़ियाँ चाहिए। अबे दो ट्रक लकड़ी क्या? ये हम कान अच्छे हैं तुम्हारे, अब जरा हाथों का भी इस्तेमाल करो। लेकिन सर ये हमेशा ऐसे ही क्यों करता है, मेरी परीक्षा देता रहता है। इतनी गर्मी में कोई आदमी इतना काम कैसे कर सकता है, पागल है क्या? मैं तो यहाँ सारे पेड़ काट सकता हूँ। रुको जरा, पहले इन दोनों गंदे बालों को हटा दूँ, उसके लिए एक उपाय चाहिए। क्या खेल खेलना है? हाँ सही सुना, अब हम कैसे खेलेंगे ये समझ लो। मैं तुम्हें से हर एक को कागज पर एक कार्य कर दूंगा,
ये कार्य बहुत कठिन है। ये बस थोड़ा कसरत करने जैसा होगा, सिर खपाने वाली बात नहीं है। हम करेंगे। मैं भी। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। जंगल के दिन चक्कर लगाओ। क्या सौ फूल ढूंढ के लाओ? क्या जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो? लेकिन मैं क्या करूं? उसके लिए तुम मत सोचो, तुम रांचो के साथ जाके पहाड़ पर चढ़ोगे। मुझे तीन बार उछलना है, देखो। क्या? ये तो बहुत गंदा मजाक है। कितना किस्मत वाला हूँ मैं, नियम तो नियम है। चलो अपना अपना कार्य करते हैं। पहले मैं एक दो तीन, अब तुम लोगों के लिए एक बार और करता हूँ। ये जरूर आखिरी चक्कर होगा। अरे वाह, मैं कितना बड़ा समझदार हूँ। ये सब लखा की गलती है, मैं मरते मरते बचा। ये क्या हो रहा है? लखा का बच्चा। अरे इतनी गर्मी है, लेकिन जंगल का ये ठंडा हिस्सा तो कमाल का है। मेरा काम एकदम आसान कर दिया है। के बच्चे, तुम सब इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम्हें क्या लगा तुम हमें मामा बना सकते हो? ये जगह अब मेरी है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। राजा तो खुश नहीं हुआ, राजा को गुस्सा आया। मुझे उस आदमी से बदला लेना है। आराम करो, और मुझे मौका दो ठंडा करने का। आइए थोड़ा सा पानी ले ला। ठीक है, मैंने सोच लिया, आ जाओ। वो लखा का बच्चा आखिरी पेड़ काटने वाला है। ठीक है रंचो, तुम्हारा लक्ष्य तैयार है। कौन है वा? सामने आओ। अब ये लो तुम। बस इतना ही? अब मेरी बारी है। लड़ो 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 डड़ो डड़वा। बहुत अच्छा डब्लू। अब जा देखो। मैं हार मानता हूँ। हम लोग उस बिल्ला को कैसे भूल सकते हैं? अरे ये तो आज का सबसे गंदा काम हुआ है हमारे साथ। क्या करते हैं? बोलो। आप लोग शांत हो जाओ। अच्छा काम लो भाई, आराम करो। थोड़ी ताजी हवा चाहिए। ये पिक के देखो, अगर जांच लो भाई। अब हम सही समय का इंतजार करेंगे, फिर हमला। बिल्ले तुमने बहुत कमाल का काम किया। ठीक से पकड़ो बाबू, लखा मेरे वार के लिए तैयार हो जाओ। रंचो तू जरा शांत हो जाओ। लखा के लिए सामान आया है। अरे हाँ, ये मेरा फैन होगा। ये तो एक गंदा और साधारण सा फैन है, मुझे पता होना चाहिए था वो मुझे फंसाने वाला है। वो हमेशा ऐसा ही करता है, पता है क्या? मैं कभी उस पर भरोसा नहीं करूंगा। ये असल में अच्छा है। उसे बंद करो। लगता है लखा का बॉस उतना भी बुरा नहीं है, उसने हमें लखा के जितना।
हेलो, मुझे ऐसे हे मत बोला करो। हेलो सर, कैसे सब ठीक है ना? तुम्हें अब 3 महीने की छुट्टी मिलती है। मैं एक व्यापार यात्रा पे निकल रहा हूँ। क्या बात है यार? तो सर हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप बताइए ना। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं अगले 3 महीने के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। समझ गए कि नहीं तुम मेरी बात को? सुनिए ना, क्या बोलूं इस आदमी को, मुझे लगता है मुझे एक नई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, मुझे तो पिछले 3 हफ्ते की पगार तक नहीं मिली यार। जिंदगी गुजारने का कोई अच्छा तरीका होना चाहिए। कोई बात नहीं, खुश हो जा लक्का, हमेशा के जैसे इस बार भी कुछ सोच ही लेगा। तो आप सोचते हैं क्या क्या कर सकता हूँ? दरअसल काटने के लिए पेड़ तो हैं ही, लेकिन पेड़ काटने के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए ना। चिंटू जी का होटल? होटल तो हर जगह होते हैं, लेकिन मेरे नजदीक क्यों नहीं है? मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी नजदीक में। मैं इस बब्लू डब्लू पहाड़ पर अपना ही होटल खोल सकता हूँ। एक अच्छा लकड़ी का घर, एक बड़ा सा आंगन, साफ नीला आसमान, हरा भरा ऊंचा पहाड़। ये मेरी आज तक की सबसे अच्छी योजना है। चिंता मत कर मेरे पेट, कुछ ही देर में तेरे को भर लूंगा। अब और इंतजार नहीं होता, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कागज पर एक योजना जो मेरे उच्च सोच को दर्शाएगी। जंगल के पेड़ पौधे, मनमोहक जीव, आपके व्यस्त जिंदगी से कुछ दिन की छुट्टी, पर्यटक की तो लाइन लग जाएगी यहाँ पर। आप ऐसा मौका कौन हाथ से जाने देगा। क्या बात है, आप तो आने जाने वाले सभी को ये दिखेगा। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा यहाँ पर? हो सकता है मुझे ज्यादा पोस्टर लगाने पड़ेंगे। अरे हाँ, वो दोनों भालू कैसे रहेंगे? पता नहीं ये योजना मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। लेकिन मैं उन्हें अपने साथ आने के लिए राजी कैसे करूंगा? हाँ समझ गया। ये रहा बढ़िया शहद, इससे तो बात बन जाएगी। उठो उठो यार, घर पे कोई है क्या? अरे यार ये तो कुंभकर्ण की औलाद है, चलो चलो उठ जा। मैं पेड़ काटने आया हूँ। कौन है वहाँ? कौन है? हेलो लखा के बच्चे, डब्लू उठ जाओ, डब्लू जागो भाई, जागो जल्दी करो। अरे ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना लेकर आया हूँ। ये हिंदी जापानी शायद, ये हिंदी चीनी शायद, और ये भाई भाई शायद। मेरा पसंदीदा, ये जरा स्वाद ले लो, एक मिनट। अरे कोई जल्दी नहीं है, ये सब तुम दोनों के लिए ही है। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे रुक भी जाओ डब्लू, लखा के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने पेड़ काटना बंद कर दिया। क्या पेड़ नहीं काटोगे? मैं ये नहीं मान सकता। मैं सच बताओ लक्का, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा होगा तुम। अरे मुझ पर भरोसा करो, मैं एक होटल बनाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसमें मेरी मदद करो। तुम्हें हमारी मदद चाहिए? बस थोड़े पर्यटन के लिए, क्या कहते हो? ये पर्यटन क्या है? तुम तो ये भूल ही जाओ कि मैं और डब्लू तुम्हारे चिड़ियाघर में जाके बैठेंगे। दरअसल अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मुझे कभी पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो तुम लोग, मान भी जाओ अब थोड़ी भालू जैसी मदद कर दो? ये तो तुम्हारे ही पक्ष में होगा सच में। ठीक है हम ये करेंगे, लेकिन तुम पेड़ नहीं काटोगे? अरे हाँ, मैंने तो बहुत पेड़ काट लिया, अब से तो बस कुछ नया शुरू करना है। अरे यार लखा के होटल में आपका स्वागत है। यहाँ प्रकृति के नजदीक जा सकते हैं, बहुत नजदीक। देखिए झुंड में ही रहिए ताकि खो ना जाए। चला चले अब इस तरफ आइए। सही है यार, शुरू करते हैं। अब जरा उस तरफ देखिए, क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? इतनी साफ नदी और ऐसा पहाड़ और पेड़, ये तो जरूर आपके मन को मोह लिया होगा। पर्ची में तो लिखा था कि यहाँ जानवर होंगे, कहाँ है वो? हाँ आप लोग जानवर देखना चाहते हैं ना, तो इस तरफ आइए ना, मैं आपको सीधा उनके इलाके में ले चलता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा है।
आप सब लोग मेरे नजदीक ही रहना, ठीक है? अरे नहीं, मेरा शलगम नहीं। तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, लेके आओ। बाबू बात करो मुझसे। इधर आ रही है सब लोग, आप कुछ कमाल दिखाता हूँ, आइए। अब आप देखेंगे काले भालू। अरे वाह, काले भालू। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करता रहा काले भालू देखने के लिए। हम पहुंच गए, अब देखिए वहाँ, देखिए दोनों भालू बिल्कुल वही है। अरे कितने मोटे हैं दोनों, नहीं के दोनों। देख रहा ना? दोस्ताना है, चाहो तो उनके साथ फोटो भी ले सकते हो। सच्ची में ये भालू कितने अच्छे हैं। क्या रेशम जैसे बाल हैं, चमके दिलाओ गरम। एक और फोटो लेते हैं, दांत दिखाओ अपना। इस तरफ देखो, यहाँ पे देखो, देखो देखो यहाँ पे। कुछ कैंडी चाहिए क्या? देखो देखो, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। दौड़ के दिखाओ, हम सब आज के पर्यटन से बहुत खुश हैं, कल हम फिर वापस आएंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। अब तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमें तो अभी चलना ही होगा। जाओ वापस, कुछ और करने की सोच कराओ, कल बहुत सारे पर्यटक आएंगे यहाँ पर। क्या क्या? मैं लखा की और मदद नहीं कर सकता। जब से उसने रिसोर्ट बनाया है, हमारे तालाब के किनारे कचरा भर गया है। वो पर्यटक तो सब कुछ मानो गंदा करने पे तुले हैं। बिल्कुल। वो लोग कितने गंदे हैं। वो मेरे सारे शलगम के ऊपर चलते हैं। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे राजा की हालत तो और भी खराब है जब से वो यहाँ आ रहे हैं। राजा, क्या हुआ? मेरा बेचारा बाबू, वो लोग हर वक्त उसे मामा बना रहे हैं। अब तो हमारा आपसी रिश्ता टूटता जा रहा है। हमें जरूर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है फिर, बहुत हो चुका। क्या हो गया डब्लू? पर्यटक ने मुझे बहुत काला की लाठी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाबलू यार, बाबलू हम कहाँ जा रहे हैं? ये लो, खुद ही देख लो। देखो क्या? इतना कचरा फेंक के गए हैं वो लोग यहाँ पर। उन लोगों ने जंगल को गंदा कर दिया है और हमारी तबीयत खराब हो रही है, समझे? हम इसके लिए राजी नहीं हुए। अब जो करना है तुम्हें अकेले करना होगा। लखा, मैं ये कैसे करूँगा? वो तुम खुद ही सोच लो। लखा, किसे पता था कुछ पर्यटक आकर इतनी गंदगी फैला देंगे यहाँ पर। इतनी परेशानी हो गई है। ठीक है, ये शेर वाला भेस तो सही फिट हुआ है, पर्यटकों को पता भी नहीं चलेगा मैं नकली हूँ। लखा, तुम तो कभी कभी कमाल कर देते हो। पर्यटक, मुझे अब चलना चाहिए। ये गाइड कहाँ है? क्या उसे पता है हमें कहाँ मिलना है? हो सकता है वो हमें कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। टाइगर, उन्हें लग रहा है जैसे मैं सचमुच का शेर हूँ। अब जरा कर्तव्य दिखाए जाए। मैं एक अच्छा शेर हूँ जिसे गाना नाचना पसंद है। एक लात इस तरफ और एक लात उस तरफ। अब मेरे साथ मस्ती से घूमो और मस्ती से झूमो। अरे नाचो मेरे साथ, चलो भी यार नाचो मेरे साथ। मैं जंगल का राजा, राजा राजा, मैं जंगल ये का राजा। ये तो भालू जितना अच्छा नहीं है। चलो दोस्त, यहाँ से निकलते हैं। बैंड बाजा। वो लोग तो एकदम हैरान लग रहे हैं। मैं तो आज तक का सबसे अच्छा शेर हूँ। ये क्या था? कहाँ चले गए वो? उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया। लखा। अरे हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, बोलिए। आप काम पर से लौट आए? आपकी छुट्टी कैसी रही? मैं वापस नहीं आया। मैं तो अब और 3 महीने यहाँ रुकूंगा। तुम नए काम में लग जाओ, ठीक है? गई भैंस पानी में।